तो फाइनली हमें मेथड मिल गया है जिसके थ्रू आप अपनी हॉनर मैजिक वॉच 2 के अंदर कस्टम वॉच फेसेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे जो एक सब्सक्राइबर है चिनमय जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने रिसर्च करके हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। और ये जो मेथड है, इस मेथड के लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाकर हम जो रिकमेंडेड फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो उसमें वॉच फेसेस हैं उसके जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके और जो भी सारी अपने एपीके फाइल और सब डाउनलोड करी है उनको हम हमारे फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम अपना जो है प्ले स्टोर खोलेंगे। अब वहाँ से जो हुआई मोबाइल सर्विसेज है वो इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम ये जो मल्टीपल फेसेस वाली एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो एक बार ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम जो हुआई हेल्थ ऐप है उसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम जो ताइची ऐप है वो इंस्टॉल करेंगे। वो कुछ वार्निंग दिखाएगा तो आप अपनी विवेक के अनुसार इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए और फिर आप नेक्स्ट इसको हम ऑफ करेंगे। ओपन करने के बाद ये है मॉड्यूल इंजन को अपडेट करेगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे चाइनीज़ में एक यूज़र एग्रीमेंट लाइसेंस आएगा तो हमारे पास इसको एग्री करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें कस्टम वॉच फेसेस इंस्टॉल करने हैं। इस में आई न्यू इट पे क्लिक करने के बाद ये इस पर क्लिक करके यहाँ से क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे नीचे जो हेल्थ ऐप आ रही है इसको हम लेके क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी हेल्थ ऐप रेडी टू इंस्टॉल है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कुछ अलाउ की इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो इसको अलाउ करके बैक करेंगे और नीचे ताइची इंस्टॉलर सेलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये सबसे पहले तो हमारी जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो इंस्टॉल होगी और उसके बाद फिर जो नई एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होगी। और हम एक बार वापस से फिर से स्टार्ट क्रिएट ऐप करेंगे और यहाँ पे हम जो हुआई मोबाइल सर्विसेज है उसको चूज़ करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो पुरानी ऐप है उसको अनइंस्टॉल करेगा और अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ रेडी टू इंस्टॉल लिखा हुआ आने लग जाएगा। तो इसके बाद हम जो हुआई मोबाइल सर्विसेज ऐप है इसको वापस यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम मैनेज मॉड्यूल पे करेंगे और यहाँ पे जो मल्टीपल फेसेस वाला हमारा मॉड्यूल है उस पर टिक करके राइट पे तीन डॉट्स पे क्लिक करके कंपैटिबिलिटी जो है उस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद अब ये मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा तो हम वापस बैक करके जो अपनी हुआई हेल्थ ऐप है उसको ताइची में से लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें हम नेक्स्ट चूज़ करेंगे, उसके बाद हम एग्रीमेंट को एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद जो ये हमारी हुआई हेल्थ ऐप है ये कुछ परमिशंस मांगेगी जिनको हम अलाउ कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे जो देख रहे हैं डिवाइसेस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर स्मार्ट वॉच और यहाँ पे जो हमारी हुआई मैजिक वॉच 2 सीरीज है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यह पेयर का ऑप्शन आएगा तो इस पर हम पेयर करेंगे और यहाँ से फिर हमें सबको इनेबल करना पड़ेगा, लोकेशन को भी इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग चालू हो जाएगी और जो हमारी वॉच है वो यहाँ पे आ जाएगी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इससे फिर ये पेयरिंग हो जाएगी और हमारे वॉच पे भी कुछ पेयरिंग का आएगा तो हम उस पर टिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन के परमिशंस हैं, ये सारी परमिशंस देनी पड़ेगी जिससे कि जो ऐप है वो स्मूथली वर्क करे। इसके बाद ये जो ऐप है ये और कुछ परमिशंस मांग रहे हैं जिनको हम अलाउ कर देंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वॉच फेसेस के ऑप्शन आ गए हैं तो यहाँ पे हम उसके मोर पे क्लिक करके और इसका जो एग्रीमेंट है उसको वापस से एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद कई बार होता है हमारे पास ये एरर आ जाती है तो इस एरर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद जो ताइची ऐप है उसको वापस से चलाना है। तो मैंने अपने जो मोबाइल है उसको रिस्टार्ट कर लिया है। अब ताइची ऐप को वापस से रन करते हैं और जो हुआई हेल्थ ऐप है
इसको वापस चलाएंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मॉड्यूल तो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब जो ऐप है उसको मैंने वापस से रन कर दिया है, अब यहाँ पे लोड हो रही है। लोड होने के बाद हम डिवाइसेस पे जाएंगे और यहाँ पे जो वॉच फेसेस वाला ऑप्शन है इसको चूज़ करेंगे। तो अभी ये लोड हो रहा है धीरे धीरे। जी हाँ, तो इस बार ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन आ गए हैं जहाँ से हम वॉच फेस जो इनके हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमें जैसे कि यहाँ पे कस्टम वॉच फेस इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो थ्री डॉट है वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपलोड वॉच फेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम डेवलपर वाली वार्निंग आएगी, इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा फाइल मैनेजर है वो ओपन होएगा और उसमें हम वो लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे वॉच फेसेस रख रखे हमने। तो यहाँ पे जैसे मैं रेंडमली कोई एक वॉच फेस है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको ये पूछ रहा है कि इसको इंस्टॉल करना है क्या वॉच में, मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। तो अब हमारी वॉच में चेक करेंगे कि वो जो वॉच फेस है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है वो रोलेक्स वाला वॉच फेस जो मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है। तो जी हाँ, ये मेथड बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलिए फिर कुछ और वॉच फेसेस इंस्टॉल करते हैं अपनी इस वॉच में। तो जैसा कि हमारे वॉच में वॉच फेसेस लिमिटेड ही इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कुछ वॉच फेस जैसे डिलीट करने हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वो वॉच फेस है उसको या इस ऐप के अंदर से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला वॉच फेस है जिसको मुझे रिमूव करना है, तो ऊपर डिलीट का बटन है, इसको डिलीट करके या नीचे इस पर डिलीट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम उस वॉच फेस को डिलीट कर सकते हैं। तो आप जो इंटरनेट है वहाँ से और भी जो वॉच फेसेस हैं जो कि 46 mm वाली वॉच के लिए बनाए हुए हैं वो वहाँ से डाउनलोड करके उनके जो HWT फाइल है उसको अपने इंटरनल स्टोरेज में डालकर इस मेथड के थ्रू अपनी जो वॉच है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा कुछ नए कूल से कस्टम वॉच फेसेस अपनी वॉच में इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर वीडियो आपकी हेल्प करे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।